आज के व्लॉग में करेंगे हम कुछ गपशप और बनाएंगे बकरा ईद के लिए एक चटपटी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी YouTube फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं मसालेदार चटाकेदार बकरा ईद स्पेशल दिल कलेजी गुर्दा। ये दिल कलेजी गुर्दा बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो इसके लिए लिया है मैंने सबसे पहले एक बड़े वाले बाउल में दिल और गुर्दा, और ये छोटे वाले बाउल में लिया है कलेजी। तो कलेजी को हमने सेपरेट नहीं बनाना है, ऐसी के साथ बनाना है, लेकिन कलेजी को हमने आखिर में डालना है, स्टार्ट में नहीं डालना है, वरना कलेजी ना ज़्यादा पकने से सख्त हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे ना, बड़े वाले बाउल में मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के विनीगर वाइट वाला, और ये वाइट वाले बाउल में 1 टेबल स्पून भर के विनीगर डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी दोनों में पानी। पानी इतना डालना है कि ये अंदर तक का डिप हो जाए। अच्छा, इसे है ना क्लीन मैंने पहले कर लिया था अच्छे से, लेकिन और साफ़ करने के लिए और इसकी स्मेल हटाने के लिए हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है विनीगर। और विनीगर डाल के इसे भिगो के रखना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इसे भिगो के रखने से ना ये एकदम साफ हो जाता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज़ें पसंद तो होती है खाने के लिए, लेकिन उन्हें स्मेल की वजह से ना ये चीज़ें खाई नहीं जाती है, और इसलिए वो ये इन चीज़ों को खाने से अवॉइड करते हैं। तो आप अगर गुर्दा कलेजी को इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो आपकी ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी, आपको किसी तरह की कोई स्मेल इसमें नहीं आएगी। तो बस हमने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए गुर्दा कलेजी को हमने पानी में भिगो कर रख दिया है विनीगर के साथ। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे, और मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर रख दिया है कुकर, और कुकर में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल का, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। और अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने डाल दिया है साबुत तेज़पात और साबुत काली मिरी यानी कि ब्लैक पेपर, और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। जैसे ही मसाला हमारा चटक जाएगा, उसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की ऑमलेट कट की हुई प्याज। इसे मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, इस तरह से हमने बारीक कट कर लेना है। प्याज डाल के इसे मिक्स करेंगे, और हमने प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। ठीक है, हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमने प्याज का कलर चेंज करना है। तो प्याज हमारा पकता है, तब तक हम आ जाते हैं हमारे गुर्दा कलेजी की तरफ। तो ये देखिए ये कितना साफ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी फेंक देंगे और इसे 2-3 पानी से फिर से वॉश कर ले। तो ये देखिए मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है इसे, और ये कितना साफ हो गया है, और इसकी पूरी स्मेल भी निकल चुकी है। कलेजी को भी हम इसी तरह से साफ कर लेंगे, इसका पानी फेंक देंगे और इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो ये देखिए कलेजी भी कितनी साफ हो गई है, इसकी भी स्मेल पूरी तरह से निकल गई है। इस तरह से वॉश करने से ना कलेजी बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब हम कर लेंगे इन दोनों को मैरिनेट, और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने डाल देना है दिल गुर्दे में नमक, और इसी में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी का, और इसी में हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, और धनिया पाउडर डाल देंगे 2 टीस्पून, और इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अभी हमने इसमें गरम मसाला नहीं डालना है, गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, जो स्पाइसी वाला होता है, लाल मिर्चों का पाउडर जो तीखा वाला होता है, वो डाल देंगे इसमें। और इसी में हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून भर के दही। अच्छा, हमने इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, जो कि कलर के लिए है, ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती है, और इससे सालन का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। और दूसरी तरफ देखिए कलेजी में मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दिया था, और 2 टेबल स्पून दही डाल दिया है। कलेजी में और कुछ नहीं जाएगा, दही और हल्दी से ही हमने कलेजी को मैरिनेट करना है। और दूसरी तरफ देखिए मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसे हम साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम कलेजी को भी मिक्स करेंगे, और मिक्स करके कलेजी को भी हम साइड में रख देंगे।
कलेजी में नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। कलेजी में नमक डालने से कलेजी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, कलेजी का जो सॉफ्टनेस है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो कलेजी हमारी हाफ कुक हो जाएगी, आधी पक जाएगी, उसके बाद ही हम कलेजी में नमक डालेंगे, ठीक है। तो कलेजी को हमने हल्दी और दही के साथ मैरिनेट करके छोड़ देना है। अच्छा, हमारे घर में है ना, मुझे लगता है हम सभी के घर में कुर्बानी वाले दिन क्या होता है, हम सुबह फजर से ही उठे होते हैं और उसके बाद हमें सोने ही नहीं मिलता है, क्योंकि कुर्बानी वाला दिन होता है, कुर्बानी करनी होती है। तो जैसे ही ईद की नमाज के बाद घर के मर्द फारिग हो जाते हैं, वो फौरन से कुर्बानी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही कुर्बानी हो जाती है तो हमें सबसे पहले दिया जाता है जुड़ा। हम जुड़ा कहते हैं, बकरे के अंदर से निकलता है दिल, गुर्दा, कलेजी जो लगा हुआ होता है ना, वो जुड़ा होता है, हमें दिया जाता है इसे पकाने के लिए। तो हम सबसे पहले नाश्ते में ना इसे ही तैयार करते हैं। तो ये गुर्दा कलेजी हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं। और कुछ कलेजी होती है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो हम उसे तवे पे फ्राई कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ना कि ईद वाले दिन सभी के घर में यही नाश्ता होता होगा सुबह में, क्योंकि 10-11 बजे तक कुर्बानी होती है। बहुत सारे लोगों के घरों में तो 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं। तो हमारे घर में 10-11 बजे तक कुर्बानी हो जाती है और 11 बजे तक हमारा नाश्ता भी हो जाता है। नाश्ते के बाद हम लग जाते हैं दोपहर के खाने की तैयारी में। तो बस इसी तरह से ईद का सिलसिला चलता है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया है अभी टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और 4 हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें। और जैसे ही हमारा टमाटर डाल के सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा पकाने के बाद, उसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ दिल गुर्दा, ठीक है। अभी इस वक्त हमने कलेजी नहीं डालना है, अभी हमने दिल गुर्दा डाल देना है इसके अंदर और इसे डाल के हम करेंगे मिक्स। अच्छा, आगे आने वाली रेसिपी में मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे घर में तवा कलेजी किस तरह से बनती है। तो आप उस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा, वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखिए दिल गुर्दा डाल के इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, जो बाउल में हमारे मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दिया है कुकर में। अच्छा, मैं ना इसे कुकर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें ना इसे हंडी में बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन ये हंडी में भी अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट से कवर करके पकाने के बाद है ना, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसी पानी में इसे गला लेंगे, ठीक है। गलने के लिए रख देंगे, कुकर बंद कर देंगे और इसे हम 1 सीटी आने के बाद 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो 10 मिनट बाद मैंने कुकर को हटा लिया था गैस पर और मैंने रख दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो गला हुआ हमारा गुर्दा और दिल है वो सारा इसमें डाल देंगे, डाल के इसे हम भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे कलेजी, ठीक है। थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे और इसमें डाल देंगे कलेजी। अभी कुकर में ना हमारा मसाला है तो वो थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो कलेजी अभी हमने डाल देनी है, क्योंकि कलेजी को ना हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कलेजी ज़्यादा पकने से है ना सख्त हो जाती है, ठीक। अच्छा, मैंने ना अभी इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक डाल दिया है। नमक हमने कलेजी में नहीं डाला था, इसीलिए अब हमने कलेजी के हिसाब से इसमें नमक डाल देना है और इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसे हाथों से क्रश करके डाल दें और कसूरी मेथी को ना थोड़ा सा भून लें। भूनने के बाद इसे हाथों से क्रश करके डालें। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कसूरी मेथी जब ले आती हूँ ना घर पर, तो मैं कसूरी मेथी को एक साथ भूनकर डब्बे में डाल के रख लेती हूँ, ताकि इसे बार बार भूनने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अब हम क्या करेंगे, कुकर का जो मसाला था वो इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से हमने भून लेना है, जो मसाला है हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अच्छा, कसूरी मेथी डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कसूरी मेथी ऐसा लगता है कोई जादू ही
मेथी है जो कि किसी भी चीज़ में डालने से ना उसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो देखिए सारा मसाला कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और कुकर में ना थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल देंगे। हमने कितनी ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से हम पानी डाल के इसे एडजस्ट करेंगे और हम क्या करेंगे इसे मिक्स करेंगे। और अब हमने ना 10 मिनट के लिए इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, ठीक है। कवर करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 10 मिनट बाद है ना ये गुर्दा कलेजी हमारी बनके तैयार है। इसे मिक्स करेंगे, ये देखिए अच्छे से पक चुकी है ये। अब हम क्या करेंगे गैस बंद कर देंगे और ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी गुर्दा कलेजी बनके तैयार है, मसालेदार चटाकेदार गुर्दा कलेजी बकरा ईद स्पेशल। इसे आपने ना ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए इसका मसाला देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ये जितना दिखने में मज़े का है ना उतना ही ज़्यादा ही खाने में टेस्टी है। तो अब हम कर लेंगे डिश आउट इसे। आप ना इसे चावलों के साथ, रोटियों के साथ, पराठों के साथ, पाव के साथ, ब्रेड के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये सारी ही चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ा देता है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है, बहुत ही जायकेदार बनके तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को इस बार ज़रूर ट्राई करना है इस बकरा ईद में। इस बार बकरा ईद में ना आप इस तरह की मसालेदार गुर्दा कलेजी बना के अपने घर वालों को खिलाएं और सभी को खुश कर दे। देखना आपकी तारीफ़ें सभी लोग करेंगे कि ये कितना मज़े का बनके तैयार हुआ है। मैं इसे रोटियों के साथ आपको खाकर बता रही हूँ। कलेजी देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी आसानी से टूट रही है। ये अभी बहुत गर्म है, मैं आपको तोड़ कर बताती हूँ। ये देखिए कलेजी देखिए कितनी सॉफ्ट एंड जूसी बनी है। अंदर से भी इतनी सॉफ्ट लग रही थी, खाने में इतनी मज़े की थी कि आप इसे बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दे तो कलेजी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जैसे ही कलेजी साफ़ हो गई उसका सारा पानी निकाल दिया, उसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम डाल देंगे पीसी हुई लाल मिर्च। ये पीसी हुई लाल मिर्च स्पाइसी वाली है। और अब हम इसमें डाल देंगे पीसी हुई हरी मिर्च जो हमने आइस क्यूब बना के रखी थी पीस के, 1/2 क्यूब डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नमक। अगर आपके पास हरी मिर्च पीसी हुई नहीं है तो आप इस वक्त हरी मिर्च कट करके भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक सा कट कर ले या चॉपर में कट कर ले। 4 या 5 हरी मिर्च को ही चॉपर में कट करके डाल दें, इसे बारीक सा चॉप हो जाता है चॉपर में। और हरी मिर्च डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा मैं इसे मैरिनेट करके बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे तुरंत बनाऊंगी। अगर आपके पास टाइम है ना तो आप इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं मैरिनेट करके, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो तुरंत बना लूँगी मैं इसे तवे पे। और तवा रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए। और ये तवा देखिए मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। अच्छा आपके पास आयरन का तवा नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल तवा आप घर में यूज़ करते हैं उसमें भी ये आसानी से बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने इसे आयरन के तवे पे ही बनाना है, आप नॉर्मल तवे पे भी इसे बना सकते हैं। तो जैसे ही मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया उसमें मैं मैरिनेट की हुई कलेजी डाल दूंगी और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा बाउल में मैं पानी डाल दूँगी, इसमें मसाले लगे हुए हैं तो वो पानी थोड़ा सा डाल के इसमें डाल दूँगी। इस तरह से करने से है ना हमारा मसाला बिल्कुल ज़ाया नहीं होता है, सारा ही मसाला हमें इस्तेमाल में आ जाता है, ठीक है। अब हम कलेजी को पानी के साथ और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स कर करके थोड़ी देर इसी तरह से पका लेंगे। जैसे ही ये थोड़ी देर पक जाएगा इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। ये कलेजी पकने के लिए ना टोटल हमें 15 मिनट ही काफ़ी है, 15 मिनट में ये कलेजी बनके तैयार हो जाए। कवर करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और चेक करेंगे कलेजी का पानी कितना ड्राई हुआ है।
तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए कलेजी का पानी काफी ड्राई हो चुका था। इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करेंगे। इसे 5 मिनट के लिए हमने और पका लेना है। ठीक है, तो इस तरह से करते जाएंगे, 5-5 मिनट हम कवर करके इसे पकाते जाएंगे ना, तो ये 15 मिनट में कलेजी अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और आप ये देखिए कलेजी हमारी पक चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमने, इतनी ड्राई हमने कलेजी को रखना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये तवे पे बनने से ना इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 नींबू का जूस, 1 नींबू का जूस डाल देंगे और उसी के साथ हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसी में मैंने रख लिया था साथ ही में बारीक कट करके हरी मिर्च भी, और 2-3 हरी मिर्च हमने साबुत ही रख लेना है। इस तरह डाल देंगे सारी चीज़ें और इसे हम मिक्स करेंगे और ये कलेजी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चाहे ना आप ऊपर से लेमन डाल के, नींबू का रस डाल के ऊपर से भी खा सकते हैं, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। इस तरह से हम कलेजी बनाते हैं ईद पर। और आप लोग बताए जी, आप लोग क्या बनाते हैं ईद पर, कैसी जाती है आपकी ईद, आप क्या क्या करते हैं ईद पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बस ये बन गई हमारी कलेजी, कि कलेजी हमारी तैयार है और ये लेमन मैंने रख लिया है इसी तरह से, कि अगर किसी को खाना हो तो लेमन डाल के ऊपर से खा सकते हैं। तो मैं अभी इसे डिश आउट कर लूँगी, एक बाउल में निकाल लूँगी कलेजी।